अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने उजामान में रखे, आमीन सुमा मीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, नई नई बातों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। जी रात को मैंने वीडियो देखी, किसकी देखी? महविश की दुनिया के। लोग मुझसे पूछते हैं कि इरम मेरी क्या लगती है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ इरम मेरी क्या लगती है। तो क्या बताया इरम ने? इरम मेरी कुछ भी नहीं लगती, इरम मेरी फ्रेंड है। पहले तो वो हमें जानती थी, हम उसे नहीं जानते थे क्योंकि हम एक यूट्यूबर्स हैं और वो हमें देखती थी, हमारी वीडियोज़ देखती थी। और पहले तो वो बनी फ्रेंड फियाज़ की, तो उसके बाद फिर वो मैं जब हमारे घर आई है तो मेरी फ्रेंड बन गई। जो फ्रेंड जो होती हैं वो बहनें होती हैं। अब मेरे उससे बहुत मतलब अच्छे ताल्लुक बन गए। वो मेरी बहन है, हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है। और दूसरा ये है कि उसकी आदत बहुत अच्छी है, ड्रेस जैसा भी कोई पहने वो अगली बात होती है। बिल्कुल सही बात है, ड्रेस से आप किसी की भी तय्यन नहीं कर सकते वो किस फितरत का मालिक है या उसके किरदार क्या है। ये हमारी जो इतनी एक्ट्रेस हैं ये ऐसे कपड़े पहनती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये सारे बद किरदार हैं? ऐसी बात नहीं होती। ड्रेस से पता तो आपका चलता है कि आप किस ख़ानदान से हैं, किस फैमिली से आपका ताल्लुक है, सारा कुछ पता तो चलता है क्योंकि ये मजहर है, इसमें आपका सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि आप क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा किरदार का भी पता चल जाता है। उसने तो आके अपने किरदार की भी जो धज्जियाँ बिखेरी, आगे परी की मामा भी आपको बताएगी कि फिर ये तो फ्रेंड बन गई, बहने बन गई, तो उसकी भी तो फ्रेंड है, तो फिर फियाज से कौन सा रिश्ता बनता है? बहन भाई का, बहन भाई वाला बनता है कि मंगनियों वाला बनता है? बहन भाई का बनता है, मंगनियां कहां से? जी कि शादी वाले, अगर फ्रेंड का ये है बात है, तो फिर शादियों के कपड़े पहनाना, किसी को मतलब पूरा पूरा दुल्हन बनाना, दुल्हन के जूते, और वहाँ बड़े बड़े धड़ल्ले से कहना जी अम्मी ने मुझे कहा ट्राई करवाए, ट्राई करवाए, और अम्मी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, और आंटी जी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और दूसरी बात, मुझे कमेंट आया था कि जो है हुमैरा का ऐसा क्या मसला है कि जो पिछली दफ़ा भी महविश आई थी तो इसने इसके साथ कोई भी सलाम दुआ नहीं ली, और इस दफ़ा भी वो अपने ही मसरूफ़ रही है, उसने कोई हाल चाल, कोई अहवाल और कोई सलाम दुआ नहीं की, और वो अपने ही कामों में लगी रही। हालांकि वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी। हाँ, तो पता नहीं है अब क्या इनका आपस में मसला चल रहा है, क्या नहीं मसला चल रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है हुमैरा सिस्टर, वो अपनी सास और नंद से इतना जो प्यार कर रही हैं, तो इतना बड़ा घर है इनके, कौन सा बच्चे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हैं जो जगह नहीं मिल रही। और जी ये घर में दो मियाँ भी हैं और तो कोई भी नहीं है, तो हर इंसान रौनक चाहता, तो ये इतनी दूर जो चल के जाती है सिर्फ वीडियो बनाने की खातिर, तो ये उनको अपने घर ले आए। हाँ, बिल्कुल, और उनको अपने घर में रख के उनकी खिदमत करें। बिल्कुल सही बात है, इतना बड़ा घर है तो माँ और बहन है, उनका हक है, अगर रहने दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रहने नहीं ना देना। ये ऊपर से बस बातें होती है, वीडियोस, कोई वो बेटा बीवी आके बहू वीडियो बना रहे हैं, कभी वो बेटा और बहू आके वीडियो बना रहे हैं, और कभी ये जाके दोनों मियाँ भी वीडियो बना रहे हैं, और ये जी कभी हलवा बना के लेके जा रही है, कभी पकौड़े बना के लेके जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या इन तीनों बेटों के घर में जगह नहीं है? नहीं होगी ना। हाँ जी, क्योंकि माओं और बहनों के लिए जगह किसी के घर में नहीं होती। वो बहुत बागैरत लोग होते हैं जिनके पता होता है ये हमारी माँ और बहन है, इसकी हमारे घर में जगह होनी चाहिए। तो ये दुनिया मकाफाते अमल है जी, बिल्कुल जैसा करेंगे वैसा ही होगा। अगर आप चाहें कि मैं गंदम बोऊँ तो मैं हीरे जवाहरात काटूँ, ऐसे नहीं, गंदम बोएंगे तो गंदम ही काटेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे, रिश्तों को अहमियत देंगे, तो आपको वही आगे मिलेगी। अगर नहीं, सारी ज़िंदगी बंदा जवान नहीं रहता, बूढ़ा होता है हर बंदे को। वो रिश्ते जो होते हैं ना, अगले काम शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी एक चेन है, ये ऐसे ही चल रही है, ऐसे चल रही है। बिल्कुल हर इंसान उसी जगह पर आता है, जो इंसान कहता है मैं जवानी में बहुत बड़ा हूँ, दुनिया सारे मेरे मोहताज है, बिल्कुल ऐसा नहीं। कभी उसने ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो वो भी मोहताज होता है। आज अगर अम्मा जी और सुनवरा बाजी की भी अगर औलाद होती, उनका अपना कोई घर बार होता, एक रहने को ठिकाना होता, वो बेचारी ने भाइयों को हिस्सा भी अपना दे दिया है, आखिर जिम्मेदारों की बेटी थी, उसका हिस्सा भी तो था ना, तो भाइयों ने उसे ले लिया। वो बेचारी, वो दिलावर जो भाइयाँ हैं उनके घर में वो बैठी हुई हैं, माँ बेटियाँ, तो कोई जाता है जाके जी खाना शाना उनको दे आता, तो मुझे लगता है उन्हें भी रौनक चाहिए थी।
करते और दूसरी बात, किसी ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि अली वीर अपनी बीवी से इतना डरता है कि जितने दिन हुमैरा वहाँ पे रही है वो उसके पास जाके अपनी माँ और बहन के पास चाहे जाता हो पर उसने वीडियो नहीं बनाई बनाई बिल्कुल ऐसी बात है। और अभी भी इनकी वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी, थोड़ी देखी, जिसमें वो हुमैरा रो रो के कह रही है मेरी सारी रिपोर्ट कंप्लीट, मेरी रिपोर्ट देखे यार, पता नहीं अभी इनकी रिपोर्ट में कंप्लीट क्या आ गया ऐसा। तो कह रहे थे हमें कमेंट भी आए, लोगों ने ये भी बताया वो भी बताया, हर बंदा बीमार होगा। आज आप देख लें छोटे से छोटा जो बच्चा है उसको भी कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई ज़रूर बीमारी होगी, क्योंकि हमारी खुराकें कुछ इस किस्म की हैं और ऊपर से जितनी महंगाई है अच्छी डाइट नहीं है। अगर कुछ ले भी रहे हैं दूध हमारा खालिस नहीं है, आटा हम लेते हैं आटा हमारा बिल्कुल सही नहीं, पता नहीं कौन सा पुरानी गंदमों के आटे हैं, मतलब एक बार अगर थैला अच्छा आया तो दूसरी बार वो नहीं आएगा। तो वही बात आ जाती है कि खुराक अच्छी नहीं है, कोई ना कोई बंदा बीमारी में ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप अपनी बीमारियों को हर वक्त लेके बैठे रह जी हमें ये भी बीमारी है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने माइंड को सेट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी। अब कभी हुमैरा अपनी रिपोर्टें लेके आ रही है, कभी मैविश अपनी रिपोर्टें लेके आ रही है, अलीवीर की रिपोर्टें लेके आ गए हैं। और जो ये प्रेगनेंसी है ये बीमारी थोड़ी है, तो आपके लिए एक खुशकिस्मती है, खुशखबरी है, और ये बीमारी नहीं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलनी, तो आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अदा करना चाहिए। ऐसे ही होता है, पहले 3-4 महीने खाने को भी कुछ नहीं दिल करता, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने को भी दिल करना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी है, फिर माएँ बच्चों को भी देखती, और जो जो अकेली माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। जिनके स्कूल में पढ़ते हैं उनको स्कूलों में भी छोड़ना लेके आना, तो हर माँ ने ये कष्ट काटा होता है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारी दुआ में आप हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।